हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं गरी परसू मंदिर वैष्णो देवी, ये पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आइए ले सकता हूँ मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर गुफा में, तो दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे। देखिए ये मंदिर है और ये है गरी जंक्शन स्टेशन, और इसके ऊपर बना हुआ है ओवरब्रिज जाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ये अंदर गुफा में मंजिल में जाने का रास्ता है, और यहाँ मंजिल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये गुफा मिलेगा, भोलेनाथ की और हनुमान जी का मंदिर मिलेगा है। और आगे जाने के बाद अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मंजिल गरी पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। बगल में ही है, और ये देखिए आगे जाने का कुछ ऐसा मिलेगा हमें देखने के लिए, पटलान रास्ता इसमें। और वहाँ जाने के बाद नीचे भोलेनाथ जी का शिवलिंग मिलेगा, जहाँ भी काम चल रहा है ना, पहले यहाँ पे पानी का फुहारा चल रहा था। और देखिए हाथी पाँव है, उल्टा है। यहाँ से आगे जाने के बाद हमें कुछ ऐसा व्यू मिलेगा देखने के लिए। वहाँ से आगे जाने के बाद कुछ इस तरह का इधर नौ देवियों का मूर्ति मिलेगा हमें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अब आगे, कैसे बनाया गया। आगे जाने के बाद हमें मिलेंगे खाटू श्याम जी, ये देखिए बाहर जैसे भी दिखता है मिलेगा, और नीचे गुफा बना हुआ है। और ये देखिए दुर्गा माता और काली माता है, और भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा यहाँ देखने के लिए। और देखिए खाटू श्याम जी का मंदिर है जो सबसे ऊपर बना हुआ है गुफा में, और यहाँ घूमने के लिए फ्री है, कोई टिकट कोई चार्ज नहीं है, और देखने की अच्छी जगह है यहाँ पे। देखिए उसके बाद आप लोगों को फ्रंट में आखिरी मिल जाएगा, ये देखिए ट्रेन जा रही है अभी स्टेशन पे, और उसके बाद आखिरी में मिलेगा पर्वत, और ये फ्रंट लुक है गेट पे जाने का।